देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ गुस्से और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ जहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र का तीसरा दिन है। प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस के विधायक भी अपनी पार्टी के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। 80 लाख 54 लाख ये भी है कार्य पूर्ण भी, जितना खराब था वो उसमें उसको भी बता दिया गया है कि श्याम बरपाली कुदमुरा मार्ग के किलोमीटर 11 से 15, उसी के अनुसार उसी सड़क में 16 से 20 और उसके बाद 1 से 3, यहाँ यहाँ जो खराब था उसका निर्माण हमने कराया है। माननीय मंत्री जी, मैं कंवर साहब की चिंता को समझ रहा हूँ। कोरबा की एक मिनट, कोरबा की सभी सड़कें खराब है, वहाँ सब तरफ ट्रकें चल रही हैं। सबसे ज्यादा खराब अगर कहीं रोड खराब है प्रदेश में तो कोरबा है, तो उसका आप अलग से परीक्षण कर ले, जल्दी से जल्दी मरम्मत करा दे, उतना ही कहना उनका। नहीं सर, मैं तभी कोरबा चांपा से कोरबा सबसे ज्यादा खराब है महोदय। हाँ, चांपा से कोरबा, चांपा से कोरबा। मैं दूसरा प्रश्न वही चाहता हूँ कि पहले तो बताइए कि आपने पूरा सड़क पूरा हुआ ही नहीं और मरम्मत कहाँ से आ गया? अच्छा, उसको पहले पूरा कीजिए। दूसरी बात, आपने चांपा कोरबा रोड का तो दिया ही नहीं, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा अभी स्वीकृत हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसमें एक पानी गिरा उसके बाद उससे ज्यादा दुर्दशा हो गया। तो आप काम क्या करवा रहे हैं? इसका मतलब माननीय मंत्री जी, विभाग में कंट्रोल कीजिए, मेरा इतना निवेदन है। और जितने भी आपने दिया है उसमें कहीं भी मरम्मत हुआ है फिर आगे उससे ज्यादा खराब, तो पूरा मरम्मत करवा दीजिए, ठीक है? माननीय अध्यक्ष जी, उसी का परिणाम तो हम लोग भुगत रहे हैं कि विभाग में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, वरना ये दशा नहीं होती। चारों तरफ 15 साल में चकाचक गाल जैसा सड़क, चिकनी सड़क होती यहाँ पर, हमको भुगतना नहीं पड़ता, पर हम लोग काम शुरू कर दिए। प्रमोद कुमार जी, आप ये बता दीजिए, अधिकारी को आपने टारगेट किया है, सस्पेंड किया है, बता दीजिए। हम लोग 15 साल चलिए बढ़िया सरकार है। आप यात्रा भी निकाली अध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री ने खाली सोशल मीडिया में, पूर्व मंत्री ने खाली सड़क सोशल मीडिया में सोशल मीडिया में जापान की सड़क चलिए चलिए विभाग में जी राणा तो माननीय अध्यक्ष है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है 15 साल का गुंडरदेही विधानसभा, जहाँ गिट्टी के ऊपर घास जगह हुई 15 साल की इनकी विकास की रैली। चलिए प्रमोद कुमार शर्मा जी। सम्माननीय अध्यक्ष जी, प्रमोद कुमार कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चापा कोरबा मार्ग का संधारण कार्य प्रगति पर है। बिलासपुर पाली कटघोरा मार्ग को पेच रिपेयर अभी फिलहाल किया गया है। एक जगह हमारी मतलब इसमें नहीं हो पाया है, चापा कोरबा में लेंको के पास कटघोरा शहरी भाग और पाली शहर में जल निकासी नहीं होने के कारण थोड़ी समस्या है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको करने का। रही सवाल मरम्मत वाली बात, सभी सदस्य हैं, पूरे प्रदेश की सड़कें एक दूसरे विधानसभा से जुड़कर आगे बढ़ता है, हम सभी विद्वान सदस्यों से या आगे आग्रह करेंगे कि आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत खराब आवागमन जिसमें ज्यादा होता है और तत्काल मरम्मत की जरूरत है तो जरूर जानकारी दें, हम लोग मरम्मत उसमें शुरू कराएंगे। उनकी चिंता। और एक मिनट सर, और दीपावली के बाद जो सामान्य तौर पर विभाग करता है गड्ढा फिलअप करने का, वो तो पूरे प्रदेश के सभी सड़क शुरू कराएंगे, वर्तमान ज्यादा आवश्यक है तो जरूर जानकारी दीजिएगा, जरूर करेंगे। उनकी चिंता चांपा से कोरबा पर है, उस पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने तो चापा का नाम ही नहीं लिया, लिया है आसंदी से बार बार खाली चापा। आप पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं अध्यक्ष जी, आप सबके लिए बोलिए। रोड सबसे ज्यादा खराब है चापा से कोरबा, रोज वही जाना होता है लगता है। इससे क्या होगा वास्तव में खराब है, और अध्यक्ष जी की चिंता से हम लोग अपने आप को समाहित करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया
कि हाईवे में काम चल रहा है, अभी काम शुरू नहीं हुआ है। और चलिए इसी बीच